ब्लैंकेट्स कंट्रीब्यूट करना शुरू कर रहे हैं बिस्मिल्लाह बोल के, हर वो मजहब जो भी खड़े रोड के ऊपर वहाँ पे हम लोग बांटना शुरू करेंगे। अल्लाह जाने अभी कहाँ तक होगा सफर हमारा, ये विंटर पूरा कंप्लीट हो सके, विंटर से पहले पहले हम सब ये कर सके, हमारी ये दुआ है। जो इसमें कंट्रीब्यूट करे थे ब्लैंकेट्स के यहिया गौस भाई और असरा डॉक्टर मूर्ति सर और आजमपुरे के वसीम, उनके तरफ से मैं शुरू कर रही हूँ अभी। और जैसा कि इनायत अली बाखरी भाई की जो कंट्रीब्यूट करते बोले थे उन्होंने भी किया 10,000 अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर रफिया इज आउट ऑफ स्टेशन ना, उन्होंने आते ही उनके भी हमारे को डोनेशन मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरा मैसेज ये है सबके लिए, सच बता रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, दरगाह के पास हूँ, एक लफ्ज़ भी मेरी गलत नहीं है। मेरा हमेशा मकसद रहा गरीबों तक पहुँचने का, बहुत कोशिशें रही मेरी। तो ये जो मैसेज था मेरा एक लाइव कॉन्सर्ट कराने का, इसके पीछे सबसे बड़ी बात ये थी कि हैदराबाद के ऑर्केस्ट्रा, हैदराबाद के म्यूजिशियंस, हैदराबाद के आर्टिस्ट के लिए नहीं था ये पूरे इंडिया के लिए मैसेज था। हर स्टेट में हर फंक्शन बगैर ऑर्केस्ट्रा बगैर म्यूजिक के नहीं होता। तो लोग लाखों रुपए डालते हुए मैं देखी भी हूँ, उनके लिए मैसेज था कि जो कोई भी ऐसे प्रोग्राम्स करा रहे, ऐसे कॉन्सर्ट करा रही या कोई कोई भी इसी तरीके से कोई फंक्शन कराते हैं, तो वहाँ पे जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसमें से लाइव कॉन्सर्ट जो हम करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि आप लोग गरीबों को, गरीबों के लिए निकालो एक हक उनका, ये अल्लाह को पार्टनर बनाओ अपना। ज़िंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, कभी किसी के मोहताज नहीं रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बिस्मिल्लाह बोल के मैं शुरू कर रही हूँ। एक मिनट मैडम, जो डोनेशन दिया है यहिया गौस खान ने, यहीं पे दावत की थी, यहीं पे मैंने इब्तिदा की थी ये प्रोग्राम की, उनकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और असरा आप इधर आ जाइए, किसी को देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आइए अरे ऐसा जल्दी चलिए हमारी तो बहुत सकते हैं, हजारों की तादाद में हम मदद नहीं कर सकते, जितना हो सका हमारी कोशिश है, दुआ करिए आप लोग। मैडम इधर इधर, हमारे घर हक नहीं, उनका नहीं सर। मैडम मैडम ये राह हक फाउंडेशन के लिए और दक्कन महिला वेलफेयर एसोसिएशन के लिए जनाब यहिया खान ने डोनेशन दिया, ब्लैंकेट्स डोनेशन किया था। और बाकी के जो भी मेरे अपने चाहने वाले हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, मगर जितनों ने भी दिया था मैंने पूरा सारा एरिया कवर करते हुए आया हूँ। मतलब ये चीज को मैं इतना हर जगह जहाँ जहाँ रुक रुक के देखे आई, वहाँ पे तो लाइक नहीं ले सकती थी।
जो हो सका पूरा हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जो भी लोग रोड के ऊपर बेसहारा फुटपाथ पे है वो लोगों को हमने बांटने की कोशिश की है। ये सारा मैसेज उन लोगों के लिए मैं दे रही हूँ कि भाई घर में तो हम आराम से ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे हैं ना, हमको हीटर है घर में अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ से हम प्रोटेक्ट है। तो हम जहाँ बीमारी है तो बीमारी से बचने के लिए मास्क है, अपने आप को हर चीज़ से सेफ साइड लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि हम जीना चाह रहे हैं। अल्लाह इनको जिला रहा इसलिए इन्हों जिंदा है, इतने सारे परेशानियों के साथ में जी रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं। तो मेरा यही मैसेज है सारे लोग को, सारी अवाम को, सारे हर वो रिलीजन को कि आप लोग ये करके देखिए। मैं इंशाल्लाह ताला मैं एज ए मुस्लिम कम्युनिटी से ये आवाज़ उठा रही हूँ कि हर वो रिलीजन के लिए, हर वो इंसान के लिए जो मजबूर है उनकी मदद करें, बस मेरा यही मैसेज है। और अगर मैं इसमें कामयाब हो गई तो समझ जाऊंगी कि अल्लाह मेरे कबूल कर लिया, जैसा कि ये मैं सोची नहीं थी मेरा लाइव कॉन्सर्ट इतना ऊंचा जाएगा, इतने लोग आएंगे। वो सारे जो जो भी लोग आए थे वो सारे लोगों की मैं शुक्रगुजार हूँ, जो आप लोगों ने, आपके ही तरफ से मैं इतनी सक्सेस हुई हूँ। और आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, जितने गेस्ट आए थे ये प्रोग्राम को सक्सेस बनाए, जितने आर्टिस्ट थे और चीफ गेस्ट हमारे, जो जो भी लोगों ने स्पॉन्सर किया है इसके अंदर, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू मैडम। मैडम ये कारवा आपका चलता ही रहेगा? बदले नहीं इससे, अलग नहीं। अरे हमारे बच्चों को हम ऐसा सोने दे सकते हैं? ये बताना चाह रही हूँ मैं, ऐसे मासूम बच्चे हमारे घर में सो सकते हैं? हम किसी को एक दिन फुटपाथ पे देख सकते हैं? ऐसा खुदा किसी के साथ ऐसा ना कराए। परवरदिगार जो कोई भी यहाँ पे